ब्राह्म uh, <laughs> uh, right, right, को जाकर ऑडियो वर्जन ऑफ दिस पॉडकास्ट या कोई भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं इसी के साथ साथ स्पॉटीफाई um, पे भी अवेलेबल है पॉडकास्ट सो इफ़ यू आर स्पॉटीफाई मेम्बर आप वहाँ भी सुन सकते हैं um, और इसके अलावा अगर आप ऑबिशली यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर, जरूर करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर आने वाली नई एपिसोड के बारे में और एक और चीज़ थी आई थिंक दैट्स इट सो हाउ हाउ आर आर यू यू आई एम गुड अलहमदुल्लह बट oh, no. uh, आपको बुलाने का एक खास जो मकसद था वो ये था कि यू नो हम बहुत टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस पॉडकास्ट uh, शो पे बट टूडे आई वॉन्ट एक्सप्लोर रिप्स एंड बिकॉज आई फील लाइक हर कोई दे गो थ्रू दीज थिंग मतलब ठीक है चलो मे बी यू नो डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो कुछ सर्टन लोग होंगे जो कि उससे वास्ता होंगे या यू you नो know, उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे लेकिन एक फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स तो हर इंसान की होती हैं आपने अल्टीमेट फीलर को बुला लिया हाँ हाँ मैंने अल्टीमेट फीलर उसी के साथ मैं एक और बड़ी मजदार इनसाइट दूँ कि मैंने कल मैं देख रहा था कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर लोग व्यूवर्स हैं कौन तो एटी नाइन परसेंट ऑफ ऑल माई व्यूअर्स आर बॉयज़ और मेजोरिटी ऑफ ऑल द द व्यूअर्स आर बिटवीन एज ऑफ 18 एंड ट्वेंटी फोर सो देर इज अ हाई चांस का अगर आप ये देख रहे हैं तो आप एक लड़का है जो कि अठारह से चौबीस के दरमियान की, की एज का है और यू uh, नो you know, तो वो तो मेरी बातों से बोर हो जाएंगे नहीं जरूरी ये कि आपने क्या लड़के से ल, लड़कों की बातों को सुनते हैं नहीं बल्कि मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक इट विल बी ऑफेक्ट कहते हैं तो हाँ so पहले तो मुझे बताइएगा कि कैसी हैं आप कैसा चल रहा है सब ठीक अलहमदिल्ला चले जबरदस्त जबरदस्त मुझे थोड़ा सा बताएं आपकी शादी कब हुई मेरी शादी हुई 2017 में मई अच्छा उससे पहले निकाह नहीं हुआ उससे पहले मेरा निकाह हुआ मैं बता रही थी 2014 में अच्छा अच्छा जी और उस वक्त मैं इक्कीस साल की थी और जब मेरी शादी हुई फाइनली तब मैं चौबीस साल की थी अच्छा जी इक्कीस और चौबीस बड़ी जल्दी आपने निकाह कर लिया जी आई थिंक uh, क्योंकि उस वक्त मैं डेंटल स्कूल में थी तो आई थिंक काफ़ी जल्दी है उस टाइम के लिए क्योंकि अभी तक मैंने अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं की थी एंड आई थिंक आजकल लोग जो हैं वो ट्वेंटी फोर पे शुरुआत करते हैं hmm. और फिर यू नो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट तक भी कुछ लोग करते हैं एंड आई थिंक दैट्स फ़ाइन और मोस्ट ऑफ़ माई फ्रेंड्स उनकी भी शादियाँ ऐसी ही हुई हैं और अभी तक हो रही हैं Right. तो तो बहुत जल्दी एक आई टाइड द नॉट सो या जल्दी था बट आई थिंक उसकी एक वजह ये थी कि मेरे अब नहीं है तो अम्मी चाहती थी कि मैं जल्द से, से जल्द सेटल हो जाऊँ और वो मेरे लिए कोई ढूंढ लें और मैं सेटल हो जाऊँ आई थिंक वो एक किसी भी सिंगल पेरेंट की बहुत अंडरस्टैंडेबल कंसर्न है राइट right. तो उन्होंने क्योंकि चीज़ को परस्यू करना शुरू कर दिया था एंड uh, जो मेरा रिश्ता आया जो वो बहुत अच्छा और बहुत रिश्ता अच्छा, था <laughs> तो, uh, no in, uh, अच्छा तो नो पॉइंट इन वेटिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने दो तीन दफा वर्ड यूज़ किया कियाटल और सेटल में आजकल जो मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेसन है खासकर अगर हम लड़कों की बात करें जो कि सिंगल हैं तो एक बड़ा यू नो मेन स्ट्रीम नेरेटिव ये है कि सिविक होती है तो रिश्ता होता है ना यू मीनो लड़का अच्छा कमाता हो और इस तरह से लड़कियाँ जो हैं वो दैट्स द सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉर तो आपके एक्सपीरियंस में आपने तो खैर से विक नहीं देखी थैंकफुली बट आपके इर्द गिर्द आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं जनरली एंड एक टोटली मैं कहूँगा नहीं होगा बट आपके एक्सपीरियंस में खातन इनका जनरली वॉट आर द मेट्रिक बेस्ड ऑन विच वो किसी भी रिश्ते को तोलती हैं अच्छा मैं अपने वैसे उसमें ये बताऊँ के अपने अराउंड अगर मैं लोगों की बात लोग कि जो लड़कियां हैं ना hmm. मेरे इर्द गिर्द स्पेशली जिनके जिनकी लाइफ में कोई है जिससे वो शादी करना चाहती हैं तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा कि वो लड़का कितना सेटल्ड है उसके पास सिविक है उसके पास अपना घर सॉरी right. उसके पास अपना घर है या नहीं है क्या सिचुएशन है um, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अगेन right. क्योंकि वो माँ बाप हैं तो वो हमेशा एक ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं जो कि बहुत बहुत आइडियल हो और वो लड़का क्या पैसे भी कमा रहा हो ऑबियसली एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी घर भी अपना हो hmm. और फैमिली भी छोटी हो और इस तरह हो और ताकि यू नो मैक्सिमम जायदाद और इस तरह की सारी चीज़ें वो जहन में अपनी रख रहे होते हैं पेरेंट्स जो हैं वो एक पे। हाँ सेटल चाहते हैं ठीक है right. फिर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका कंसर्न सेटलमेंट का लड़कों से नहीं होता अपने आप से होता है राइट। बिकॉज़ आई थिंक इतनी हॉरर स्टोरी सुनी है लड़कियों ने कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ओन सेटलमेंट वो अपने आप को खुद स्टेबल करना चाहती हैं फाइनेंशली और अपना पाथ फिगर आउट करनी चाहती हैं बिफोर दे जम्प इंट अ मैरिज कि कहीं उनकी उसमें

मेरे इर्द गिर्द भी लड़कियाँ और यही जो लड़कियाँ जो सेटल होना चाहती हैं या अपने करियर्स पे फोकस करना चाहती हैं बिफोर दे गेट मैरिड जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल बात है hmm. वो उनको इवेंचुअली इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो उनका स्पाउस है hmm. उसने वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में ठीक है सो right. so, जहाँ पर हम आ, आ, जो जो right. right. जहा पर लव um, नहीं अरेंज है वहां पर हाँ ये सेटल होने वाली बात जो है बहुत मेजर फैक्टर रखती है पेरेंट्स की तरफ से या लड़कियों की तरफ से भी आई थिंक लड़कियों की तरफ से भी रखती है अच्छा अच्छा और इसमें डी थिंक जब आप एक लड़की है होगी कोई आपकी फ्रेंड जिसने जो इस तरह सोचती होगी फ्रेंड नहीं होगी या कोई लड़की होगी जो आप जानती होंगी वो ये देख रही होती हैं कि मुझे एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे क्या अवेलेबल है मतलब इसके पास गाड़ी है घर है वॉट नॉट क्या वो ये देख रही होती है कि यार ये क्या कर रहा है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है सो so, मेरे इर्द गिर्द जो मोस्ट मेरी फ्रेंड्स हैं या लड़कियाँ हैं वो देखती हैं पोटेंशल और उनको सोसाइटी uh, uh, के डेफ़िनेशन ऑफ सक्सेस या सेटल्ड मैन से फ़र्क उतना नहीं पड़ता अगर वो जो मर्जी काम भी कर रहा है लेकिन अगर वो एजुकेटेड है अच्छा hmm. वो एक उसका कोई विजन है वो किसी डायरेक्शन में है और उसके अंदर उनको पोटेंशियल नज़र आता है तो दे आर विलिंग टू मेक दैट टेक दैट जंप दैट रिस्क लेकिन आई थिंक <laughs> थोड़ा सा ये भी होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ फिर ऐसी होती हैं कि वो आर नॉट करियर ओरिएंटेड Right. on their own right who are not interested in working th that passionately they're not that ambitious may I care you I think professionally ambitious Haan. maybe they're ambitious about uh, raising a family Haan. professionally career wise ambitious right liye obviously concern hota hai because they want a certain life and lifestyle and they would want their husbands to support their lifestyle that. provide that lifestyle. अच्छा मुझे इसमें फिर ये बताएं कि हाउ डू यू पर्सनली फील अबाउट दैट डू यू थिंक इट्स ओके टू टू एस्पायर टू हैव अ वेल सेटल्ड लड़का डू यू थिंक दैट्स समथिंग जो कि सिस्टम ने गलत चीज एक दिमाग में डाली हुई है मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल है, सवाल है. मैं काउंटर भी एक दूंगा आपको अह uh, लेकिन आई <clears> थिंक <throat> मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ के एक चीज होती है फ्रीडम ठीक है हम पेरेंट्स को भी साइड पे रखेंगे सोसाइटी के नॉर्म्स को भी साइड पे रखेंगे हर किसी की अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए अगर कोई एक शादी है ना तो अगर कोई वेल well सेटेड लड़के से शादी करना चाहता है तो वो उसकी एक डिमांड है ठीक है समझें और अगर किसी को नहीं फर्क पड़ता तो उसे नहीं फर्क पड़ता उसकी शायद कोई और डिमांड

एंड शी ऑल्सो वॉन्ट अ गुड लाइफ शी कम्स फ्रॉम अ गुड कम्फर्टेबल फैमिली तो वो कहती है कि यार मेरा जो होने वाला लड़का है वो भी एक सर्टन लेवल ऑफ कम्फर्ट मुझे प्रोवाइड करे इवन टू बी ऑनस्ट वो उससे भी वो ऊपर वो कहती है कि यार मैं बड़ी हाई अचीविंग हूँ मैं बड़ी वेरी एंड दिस एंड दैट मैं बहुत अच्छा पैकेज हूँ उस तरह से तो मुझे लड़का भी बियॉन्ड मेरे करंट लेवल ऑफ कम्फर्ट चाहिए ठीक है फ्रीडम ऑफ चॉइस है ऑल्टरनेटिवली लड़का है और लड़का एक्सपेक्ट करता है कि अब वो जो है ना घर में उसको खाना ऑन और uh, उसके कपड़े इसी करके सेट करके रखे और वो सारा कुछ रखे okay. hmm. so, सम हाउस करना चाह रहा हूँ अगर हम उस एक्सपेक्टेशन को ओके okay करते हैं तो फिर हमें उस एक्सपेक्टेशन को भी ओके okay करना नहीं होगा

अगेन ये एक पर्सनल चीज़ होती है बट मुझे इस तरह लगता है कि जहाँ हम अगर सॉरी uh, जहाँ हम हमें इक्वल एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए ठीक है अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक औरत को एक्सपेक्ट क्या करते हैं डिमांड करते हैं कि एक औरत को उसके राइट्स दिए जाएं और उसे ये फ़्रीडम दिया जाए कि वो काम करे ना करे आ, और घर के काम करे ना करे ठीक है या किस परफेक्शन के साथ करे या कितने करे हेल्प रखे जो मर्जी करे वहाँ पर सेम फ्रीडम मर्द को भी मिलनी मर्द चाहिए। को भी मिलनी चाहिए अगर ये एक औरत ये समझती है कि उसके हस्बैंड को ये फ्रीडम नहीं है कि वो काम ना करे कि वो अपने पैशंस पर सोना कर सके उसका फोकस घर के लिए कमाना हो hmm. और सस्टेन करना हो और उसे अच्छी ज़िंदगी देना हो तो शी हैज टू होल्ड द सेम फॉर हर सेल्फ कि फिर मेरा रोल क्या है क्योंकि एंड एट द एंड ऑफ द डे मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है hmm. जिसमें दो इक्वल पार्टनर्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स और पार्टीज होती हैं ना इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वही है और उनको इक्वली अपना

फैमिलीज जो होती थी वो औरतों को काम नहीं करने देती थी यू you नो know, बड़ा अच्छा पढ़ लिया पढ़ी लिखी लड़कियाँ ढूंढियों फिर ससुराल वालों ने बोला कि घर बैठ जाओ दैट्स नॉट फेयर दैट्स नॉट फेयर बिकॉज उसका वो है अगर वो करना चाहती है नहीं करना चाहती फिर एक टाइम आया जब हमने इस मूवमेंट एक मूवमेंट चलाई जिसमें हमने कहा कि नहीं खुतिन को काम करना चाहिए है और अब उसको हम उस एक्सट्रीम पर ले गए हैं कि अब हमने सॉर्ट sort ऑफ of एक अनसेट तरीके से ये कर दिया है कि जो खातन काम कर रही हैं वो एम्पावर्ड हैं जो नहीं कर रही वो एम्पावर्ड नहीं है

डैट वुमेन हु आर नॉट बींग फोर्स्ड वुमेन हु ड्रीम्ड ऑफ दिस लाइफ एंड वॉन्टेड दिस लाइफ उनको आपने ये फील कराया दैट दे आर नाट गुड इनफ ठीक है मुझे सिर्फ मैं मुझे सिर्फ जो यहाँ पे कंसर्न होता है जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेसन है वो ये है कि चले फ्रीडम एक चीज़ है ठीक है लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो एक चीज़ है ना और एजुकेशन जो एक चीज है hmm. वो आप अंडरमाइन नहीं कर सकते वो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए एजुकेटेड होना चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ठीक है ठीक है एज एन एडल्ट ठीक है इसके ऊपर हम आते हैं इंडिपेंडेंस हाँ. के तरीके कार और वो क्या हो सकता और हाँ. उसकी है उसकी यूजेबिलिटी क्या है बट हाँ. अभी जो आपसे मैंने सवाल किया था पर्टिकुलरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ वॉट एन एम्पावर्ड लाइक आई वॉन्ट यू टू एक्सपैंड ऑन दैट कि कोई एक इवन दो यूर यूर समन हु वर्क्स यू नो एंड आप जो है वो काम भी कर रही हैं आपका बिजनेस भी है आप घर पे भी काम करती हैं बट देन देर माइट बी समन जो कि घर पे बैठी हुई है और वो घर hmm. को चला रही है संभाल रही है घर की दस चीज़ें मैनेज कर रही है और शायद फिर एवेंचुअली बच्चे होने के बाद यू नो uh, तो ऑबियसली दो जॉब्स कर रही है अफेक्टिवली बीस घंटे तो वह काम कर रही है why is it that these women somehow are not as satisfied as they were 20 years ago like my apni cousins kudi my generation of they were very the stories that they tell and the way that they were it seems they were very very satisfied and happy when they were uh, younger and you know just married or had just had kids hmm. i think narrative freedom hmm. or right राइट्स से हटा के आपने उसको एक सीधी uh, लाइन में डाल दिया है जो कि है कि इफ यू आर एन एम्पावर्ड वुमन और इफ यू आर टू सक्सेसफुल एंड एम्पावर्ड वुमन यू हैव टू बी वर्किंग आउटसाइड ऑफ द हाउस इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट व्हिच कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और यू नो व्हाटएवर हां समथिंग लाइक दैट उन्होंने बेसिकली इफेक्टिवली किया Office, ये है कि पहले or, भी आपको

यू नो वी आर नॉट वी आर नॉट मदर इनफ वी आर नॉट वाइफ इनफ मतलब जो हम जो हमारी असल आइडेंटिटी है हम उससे साइड पे हो गए ठीक है आपने औरतों जो काम करती थी उनको ये फील कराया टू द पॉइंट कि कुछ फैमिली में होता था कि ये एक हराम एक डेवेस्टेटिंग सी चीज़ है कि एक औरत जो है वो घर से बाहर जाके काम, काम करती है बाजारी औरत समझा जाता था उस औरत को जो घर से बाहर कदम रखती है अकेले किसी काम के लिए राइट एक एक्सट्रीम देन पीपल फॉर वेमेन फॉर देयर फ्रीडम टू नॉट बी जज्ड फॉर वर्किंग एंड हैव द फ्रीडम टू वर्क अब क्या होता जा रहा है कि देर लॉट ऑफ वेमेन पैशनेट अबाउट वर्किंग डोंट फील ऑल्सो द नीड टू वर्क मे बी हैव अ वेरी वेल सेटल्ड फैमिली

उसके बावजूद बहुत सारी खातन थी जो कि काम करती थी उनके घर वाले सपोर्ट करते थे आउटलायर्स हमेशा सोसाइटी में होते हैं बट हम एक सोसाइटी एट लार्ज की बात कर रहे हैं हाँ। इसी तरह आज भी ऐसा होगा कि स्पेक्ट्रम्स होंगे कंजर्वेटिव सोसाइटीज के अंदर घरों से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा होगा अभी भी वो लोग ज्यादा हैं जो ये समझते हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी मार्केट में आप देखे तो इतनी खातन अभी नहीं है मतलब इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट होती है अगर सारी औरतें आज काम कर रही होती है एंड आई थिंक वो अगेन अगर आप इकनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो गेटिंग वेमर इन दर्क फोर्स डेफिटली वेल चाहे आप उसको देख लें किस तरह कल्चरली सेंसिटिव कॉन्टेक्स में आपने लेकर आना है बहुत सारी सोसाइटीज़ ने जो है ना वो कॉल सेंटर्स में खातन डाल दी उन्होंने कहा कि जी मर दूसरे काम करेंगे खवतन क्योंकि एक वन स्टेप टूवर्ड्स दट इम्पावरमेंट वर्स के एक ऐसे इन्वायरमेंट में लेकर आ जाएँ जहाँ पर आपको एक सेफ स्पे भी मिल जाएगी वो काम कर सकेंगी या पब्लिक रिलेशन की जितनी भी जॉब्स थी उसके अंदर खातन आ गईं पाकिस्तान um, में मॉडर्न डे के अंदर आई थिंक डिजिटल मीडिया हैज़ प्रोवाइडेड एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी के घरों से बैठ कर ही आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और आप यू नो इकोनॉमिक्स वाले साइड पे घुस सकते हैं सो सो दैट्स देयर बट मैं दादा यू नो इकोनॉमिक्स से हट के ज़रा इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स की तरफ हुआ uh, इसी का ऑल्टरनेट सॉरी आप शायद कुछ बोलने लगे थी बट इसी का ऑल्टरनेट एक ये आता है कि वो मर्द जो कि काम नहीं करना चाहता सो so, मैं एक ऐसा कपल देखता हूँ जो कि मियाँ और बीवी दोनों के दोनों जो हैं वो काम कर रहे हैं ठीक hmm. है मॉडर्न डे है मिलेनियल कपल्स हैं अच्छे पढ़े लिखे यू नो कंफर्टेबल सेटअप से आए हुए तो उसमें तो उसमें जो है वो यू uh, नो you know, मैं कहता हूँ कि एक मर्द है जो कि कहता है कि मैं जिंदगी में ना दो साल ऑफ लेना चाहता हूँ कि मैं बड़ा पैशनट हूँ तो मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है ठीक है क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को नहीं क्यों नहीं करेगी ये बिल्कुल वही चीज़ है जो औरतों के साथ होती है हाँ और मैं ये भी अज्यूम करता हूँ पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में ये अंडरस्टैंडिंग होगी वो अंदाधो नहीं छोड़ देगा अपनी जॉब वो वो देखेगा कहेगा यार अच्छा बेगम कमा रही है और इतनी कमा रही है घर चल सकता है या मेरी सेविंग्स पड़ी हुई हैं और साथ साथ मिल मिलाकर इतना हो सकता है कि घर चल सकता है दो साल के लिए देखिए तो एक एजुकेटेड डिसीजन वो लेता है लेकिन सोसाइटी उसके साथ क्या करेगी पता है मसला क्या है कि सोसाइटी के बारे में ये बात होनी नहीं, नहीं चाहिए थी अगेन मैं एक इमोशनल और एक रिलेशनशिप एस्पेक्ट से आऊँगी जो बात मैं एक्चुअली करना चाह रही थी तो आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल उसके इन लाइन है कपल्स नीड टू अंडरस्टैंड जितने भी कपल्स हैं यहाँ पे होने वाले शादी होने वाले लड़के जो हैं और उनकी रिस्पेक्टिव बीवियाँ ठीक है उनको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैरिज एक पार्टनरशिप होती है और आप दोनों एक टीम होते हो hmm. आपने एक अपने लिए ऐसा सिस्टम डिवाइस करना है जो एक हेल्दी हैप्पी फैमिली हाउस सिस्टम हो अब right. चाहे वो सिस्टम आपका जो भी हो ठीक right. है आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है जहाँ मर्द हैं वहाँ उनको अपनी औरतों को एम्पावर करना है और सपोर्ट करना है कि जो वो करना चाहती हैं वो वो कर सकें Right. उनके बगैर वो नहीं कर सकती सोसाइटी में सिंपल सी बात है ठीक hmm. है बहुत मुश्किल है किया है औरतों ने खातिन ने किया मेरी अपनी अम्मी ने किया है लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैरिज का दूसरा सेम सेम ऑन दैट एंड जहाँ एक मर्द जो करना चाहता है उसके जो पैशंस हैं जो वो चीज़ें प्रसू करना चाहता है अगेन वो, वो ये फ्रीडम चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके दो साल गुजार के वहाँ उस औरत को उस औरत का रोल आएगा वो प्ले करेगी वो उसको इस चीज़ में सपोर्ट करेगी वो कहेगी ठीक है तो फाइनेंशली मैं सपोर्ट करूँगी राइट समझ आती है आप बिल्कुल. ये नहीं कह सकते कि Only you support and I don't support. सपोर्ट yep. It's equal. अब आप जो भी अपने दरमियान में सिस्टम निकालें I know ये बहुत और चीज़ है कि एक मर्द के लिए चाहना कि मैं दो साल hmm. आ, काम से छुट्टी लेके वो करना चाहता हूँ मुझे याद है हमारी आपस में कॉन्वर्जेसन हुई थी uh -huh. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर मैंने एक दफ़ा लोगों को मैं बताना चाहती हूँ आपको बोला कि मुझे टाइम uh, ऑफ लेना पड़ेगा बच्चों के बाद आ, जो कि मैं लेना चाहती हूँ इट्स नॉट लाइक कि मैं नहीं लेना चाहती मैं टाइम ऑफ लेना चाहती हूँ मैं वो पूरा टाइम बच्चों को देना चाहती हूँ लेकिन ये फेयर नहीं है क्योंकि मैं तो पीछे रह जाऊंगी अपने काम में अपने करियर में राइट मैं मेरा तो टाइम चला गया ना बच्चे हम दोनों के हैं तो ये सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है हो रहा है? मतलब बच्चे दोनों के हैं तो ये सिर्फ मेरे साथ मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है समझती हूँ मैं माँ समझती हूँ कि शुरू में बच्चों को माँ ही चाहिए आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज देर आर सम थिंगस दैट गॉड हैज गिवन वीमेन दैट मैन कान डू ठीक है बट देर इज अ वे टू गो अबाउट दिस विच यू सजेस्टेड यूर सेल्फ एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज के तो शुरू के कुछ साल तो ऑफ लो hmm. और फिर मैं ले लूंगा यू hmm. नो you know? और फिर हम एक इक्वल फुटिंग पे आते हैं कि दोनों ने टाइम ऑफ लिया अपने करियर से और उससे मेरे लिए भी एक बड़ी अनयूजअल बात थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक मर्द टाइम ऑफ ले, ले सकता है अपने करियर से आ, उसके पास भी ये फ्रीडम होनी चाहिए एंड यू सेड कि मैं तो चाहता हूँ मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ मैं उस तरह का बाप नहीं होना चाहता जो अपने बच्चों की लाइफ में से मिसिंग हो लेकिन ये कॉन्वर्जेशन है जो आज तक मैंने कभी नहीं सुनी थी इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं और दैट इज वन इक्वल जहाँ दोनों से एक्सपेक्टेशन भी इक्वल हो और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी इक्वली करें।, करें।, करें मैं ये नहीं कह सकती थी कि ओ मैंने टाइम ऑफ लिया है ठीक है और आ, पता नहीं मैं क्या कह रही थी मैंने टाइम ऑफ लिया है आप लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं ले सकते आपने तो मैं चलाना है हम कर सकते हैं मैं भी घर हाँ। चला सकती हूँ और आप भी बच्चों को देख सकते हैं और इक्वल होना चाहिए ताकि हाँ। कोई किसी एरिया में पीछे ना रह रहा हो ना ना बाप अपनी आ, आ, का रिलेशनशिप बच्चों के साथ सफर करे या वो अगर बच्चों को देखना चाहते है तो ना देख पाए और ना माँ अगर वो काम करना चाहती है तो वो कर ना पाए करना पाए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो so, अब मैं लेकर आऊँगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाले एलिमेंट के ऊपर क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और खास कर मुझे पता है कि लड़कों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती अच्छा uh, थोड़ा मॉडल मैं समझाता हूँ कि पाकिस्तान में चलता किस तरीके से और है। दुनिया भर में हमने वो पिछले दिनों शो देखा था बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था वो कौन सा था, वो जो अगली का दूसरा वर्जन था सीजन टू अगली बेटी तो प्राइमरिली होता क्या है कि जो है ना मर्द जो है वो कमारा होता है ठीक है औरत जो है ये सोसाइटीज़ में जनरली चलता रहा था जब तक कि यू नो वेस्ट में तो चलो ख़वाी अब जो है ना वो कमाना शुरू हो गई हैं इन मास पाकिस्तान में स्टिल गोइंग टुवर्ड्स डेट बट मर्द कमा रहा होता था औरत घर के काम कर रही होती थी अगर 20 साल बाद कोई पूछता कि अच्छा यू you नो know, ये बड़ा घर और ये बड़ी गाड़ी किस किस की बदौलत आई है तो कहा यह जाता कि ये मर्द की बदौलत आई है राइट hmm. right? हालांकि अगेन जो आपने स्टार्ट में पार्टनरशिप वाली बात बोली वो बड़ी एक फंडामेंटली एक, इंपॉर्टेंट एक बात है क्योंकि एक एक अगर एक इमेजन किया जाता है ना एक फोर्टी फाइव ईयर ओल्ड मर्द है एक फोर्टी थ्री ईयर ओल्ड औरत है या बीवी है आ, उसके तीन बच्चे हैं खूबसूरत से सब अच्छे वेल ड्रेस्ड हैं वेल एजुकेटेड हैं वो जो इमेज है परफेक्ट फैमिली की उस परफेक्ट फैमिली की इमेज के अंदर यू you नो know, बच्चों के ट्यूटर बच्चों का प्राइवेट स्कूल ऑल ऑफ दिस जो दिमाग में इमेज आ रही है इट्स अ कम्बाइंड एफर्ट ऑफ टू पीपल राइट और वो चीज़ अगर सिर्फ पैसा हो दिया जाए और परवरिश ना दी जाए कुछ नहीं होता नहीं. अगर सिर्फ परवरिश दिया जाए और पैसा ना दिया जाए है कि सोशल मोबिलिटी में आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे हुँ. तो ये कम्बाइंड एफर्ट है और उस शो में भी इसी तरीके से था कि वो कॉन्सटेंटली उन्होंने ये दिखाया था कि यू नो पैसा तो यही कंसिडर हो रहा था कि मर्द का पैसा है औरत का पैसा नहीं और फिर उसके ऊपर पूरी एक डिबेट और कोर्ट केस बट इवन मॉडर्न डे में हम जब बात करते हैं आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की तो हम ठीक है चलें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम एक ब्लैंकेट टर्म इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं सब खवीन को फाइनेशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए बट थियोरेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल थियोरेटिकली वैन लेट्स से इफ़ यू डोंट हैव एनी सेविंग्स चाइल्ड यू नॉट गशियल इंडिपेंडेंट एनी मोर एंड इफ फाइनेशियल इंडिपेंडेंस जो है फ्लेक्की है mm. तो देन दर प्रस जिस बेसिस पे आपने इस चीज को किया वो इलेवेंट हो गई राइट hmm. पार्टनरशिप right? ऐसी होनी चाहिए जिस पार्टनरशिप के अंदर ये कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए वेयर पावर डज नॉट गो फ्रॉम वन साइड टू द अदर बेस्ड ऑन मनी एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटीज का कि पावर हमेशा पैसे से ही आती है ड्रॉ होती है बहुत अच्छी आपने बात की है कि बात एक मैरिज में एक रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की पावर से को होनी नहीं चाहिए हो, वहाँ पर भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत As such, नहीं पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए सो so, इसको मैं इस तरह से यू uh, नो you know, वो करूँगा को रिलेट कि मेरी uh, अपनी फैमिली के अंदर मेरे वाले साहब जो हैं वो जितना भी स्पेंडिंग uh, का काम होता था ना सो ही बट गो आउट एंड ही वु अर्न और माई मदर वॉज अ होम मेकर सिक्स किड्स अलहमदुल्ल उन्होंने बड़ी अच्छी परवरिश की आई हो आई आई बिलीव बाकी तो की आई होप कि मेरी भी की हो बट उन छः बच्चों की जो उन्होंने वो की उसमें वालद साहब कमा कर लेकर आते थे वो फिर अपना प्राइमरी चंक जो थे वो मेरी वालदा को देते थे कि अब आप स्पेंड करें एंड द कंट्रोल एंड द पावर इन टर्म्स ऑफ द स्पेंडिंग वॉज ऑल विद हर ठीक है एंड शी देन बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज द डिसजन दो थिंग्स शी बिकेम मच मच मोर पावरफुल इन द दालिटी लाइन राइट तो उसमें भी मेरा ये होता है कि बहुत सारी वो वो खात जो कि घर पर बैठी हुई हैं ठीक है जो कि होम मेकर बनना चाहती हैं और पैशनेटली बनना चाहती हैं वो फिर क्या जिंदगी भर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी थियोरेटिकली वे दैट वी कैन सी और हाउ वी सॉर्ट ऑफ़ थिंग्स जिसके थ्रू हम एक पार्टनरशिप के अंदर एक क्वालिटी ला सकते हैं यही है कि अग, अगर आप हम की बात करें प्रॉब्लम hmm. यह है कि पावर डायनामिक्स का कोरिलेशन होना ही नहीं चाहिए पैसों से hmm. लेकिन है विच इज वाई सारे कपल्स में या मैरिजेस में प्रॉब्लम होता है क्योंकि एक नॉर्मली में सर्कमस्टांसिस में मर्द क्योंकि पैसे कमा रहा होता है तो वो एक पावर के हाई में रहता है कंसिस्टेंटली hmm. क्योंकि उसको उसको ये फील होता है क्योंकि पैसे वो लेके आ रहा है तो भाई आई रूल बेसिकली तो ही

कि वो सकुन Every से बिल्कुल वो सकुन से जाके काम कर सकता है हाँ सक्सेसफुल हो सकता अगर है अगर आप उस औरत में से इक्वेशन को हटा देंगे तो आप उतना सक्सेसफुली काम कर ही नहीं सकते right. तो आप आप अपने आप को एक गलत पावर डायनामिक में बिठा के रखे हुए हैं जब आप कहते हैं कि पैसों से पावर डिफाइन होती है या एक फैमिली का सक्सेस डिफाइन हो रहा होता है या जो पैसे ला रहे हैं वो कर रहा होता है ऑल्टरनेट पे मैंने ये भी देखा है कि इन कपल्स जहाँ औरतें कमाती हैं ज़्यादा कमाती हैं वहाँ पे औरतों को ये होना शुरू हो जाता है कि वो ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल ठीक है अगेन अ लॉट ऑफ द टाइम्स उन मर्दों ने इनेबल किया, किया होता है अपनी इनसिक्योरिटी साइड पे की होती हैं ये सोसाइटी से लड़े होते हैं सोसाइटी से लड़े होते हैं और अपनी बीवी को वो दिया होता है कम है ऐसे ये बहुत कम लोग हैं लेकिन ऐसे ना। मैं तो मेरे अपनी दोस्तों में बहुत वो खुद शायद स्टेप बैक किए हुए हैं और वो इनसिक्योर भी नहीं फील करते क्योंकि वो इतने सिक्योर है अपनी मरदानगी के बारे में बीवी के ज्यादा कमाने से उनकी मरदानगी और ईगो हर्ट नहीं होती जो बहुत अच्छी बात है यही रियलाइजेशन होनी चाहिए एक औरत को भी एक मरती है कि पैसे आपकी पावर डायनेमिक्स नहीं डिफाइन जहाँ वो डेफिनेशन जहाँ आपके दिमाग में ये डेफिनेशन आ गई वहां पे दोनों के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी हो, हो जाता, जाता है, है। right. तो ये होना ही नहीं चाहिए ऐसे आइडियली ये नहीं होना चाहिए हाँ। और अगर ये हो रहा है क्योंकि दुनिया में बहुत मुख्तलि किस्म के लोग हैं हाँ। हर किसी को नहीं उस पॉइंट इसलिए तो औरतों को डर लगता है इसीलिए तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी जब शादी होगी और वो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी और उनका हस्बैंड होगा तो वो

कोई औरत है जो कि जिसका करियर बड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन उसने छोड़ दिया अपनी मर्जी से छोड़ा या फोर्सफुली छोड़ा छोड़ दिया कि जी मैं बच्चों को संभाल रही हूँ सारा कुछ कर रही हूँ और फिर बीस साल उसने अपनी जिंदगी के लगाया फिर वो डिवोर्स हो गई तो मर तो आराम से निकल जाएगा विद ऑल द मनी बट औरत और औरत और उसके बच्चे क्या करेंगे तो फिर इसी वजह से चाइल्ड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट निकला और एलिमनी आई थिंक होती है उसका कॉन्सेप्ट निकला वहाँ पर तो वो बड़ा अगर उसके पीछे आप साइंस समझें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं उस सोसाइटी के बट खैर इसके बाद आई लाइक टू हम यू you नो know, क्योंकि आज हम जरा शादी को एक्सप्लोर करें वैसे मैंने मैं ज़्यादा दूसरी साइड्स पे जाना चाह रहा था बट स्टार्ट से ले जाए इस तरफ वो गई नहीं इस, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अच्छा शादी के बाद आपकी एक शादी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ टाइम्स हमारे जो लड़कियाँ हैं अच्छा उनको ना फैंटसाइज कराया गया है शादी शादी होगी तुम्हारी और शादी के बाद कोई मैजिकल डिजनी सिचुएशन होगी ठीक है सो एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी बड़ी फ्लॉड है अच्छा काफ़ी दफ़ा रियलिटी इतनी मतलब बुरी भी नहीं होती हमारा मीडिया तो बहुत ही अजीब तरीके से ड्रामास में वो दिखाते हैं बट देर इज डेफिनेटली वट वट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड वॉट यू आर गेटिंग इन टू इज इज एक्सट्रीमली डिफरेंट अच्छा ये सिर्फ ख़्वीन के लिए नहीं है मर्दों के लिए भी मर्दों को तो बताया ही नहीं गया ना मर्दों को बस एक शादी होगी तुम्हारी तो उनको भी नहीं समझ आ रही होती और होगी घर चलाना है और तुमने बस घर चलाना है और फिर शादियाँ होती हैं और मैं यंग कपल्स को देखता हूँ मॉडर्न डे यंग कपल्स को और उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हुई क्या है ना शादी से मतलब शादी तक जो था वो ये था कि ठीक है शादी हो जाएगी और इट्स ऑल फन एंडिया शादी के बाद पहले दो साल तो आप इट जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द वर्ल्ड एज इट हैज चेंज्ड और उसमें भी ख़ुत स्टैंड पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि यार लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि जो वो करना चाहती हैं कि शादी के बाद करना शादी के बाद करना और द मिनट शादी हो जाती है तो शादी से पहले तुम्हारी इंडिपेंडेंस ही हम क्या करें अब तो तुम्हारी शादी हो गई है अब तो तुम्हें यू नो कॉम्प्रोमाइज करना है और सोचना सारे सारे है और ये सारे सर्कल व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस ये ऑब्वियसली व्हाट आई थिंक आई थिंक दैट इट्स रॉन्ग कि ये किया जाता है हम mm. uh, लड़कियों के साथ क्योंकि आप उनको एक तो ये एस्पायर कराना शुरू हो जाते हो कि देर शादी इज़ द टिकट टू एवरी थिंग दे वॉन्ट इन लाइफ जो कि होता नहीं है ऐसे आपकी शादी होती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशंस थिंग बहुत चेंज बहुत डिफरेंट हो जाती हैं वो इतना अपने हस्बैंड से कहना uh. शादी के बाद वो वो उसके साथ करना uh. ये वो um, पहले विच इज वियर्ड बिकॉज आप इफेक्टिवली यही कर रहे हो कि पहले माँ बाप से परमिशन लो और बाद में हस्बैंड ठीक क्या कहेगा तो वो फ्रीडम हाँ। कहाँ गई एक लड़की की शादी से पहले नहीं है शादी के बाद नहीं है तो um, so ये एक्सपेक्टेशन सेट करना लड़कियों के लिए कि शादी के बाद चीज़ें होंगी वो है ही गलत उसकी वजह एक सिंपल है वजह के ऊपर अगर मैं एक एनालाइज करूँ सिचुएशन को कैसा होता क्यों है इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप को डर लगता है कि अगर हम अपनी बेटी को सर्टेन चीज़ें करने देंगे इस टाइम पे तो उसकी शादी नहीं होगी अच्छे घर में आ, अगर उसको कुछ लोगों का होता है जीन्स पहनने दी तो डा बाल डाई करने दिए तो ट्रैवल करने दिया, दिया तो दिया आ, तो उसके साथ सर्टेन स्टिगमाज अटैच हो जाएंगे कि ये तो ऐसी है और ये तो वैसी है तो माँ बाप नहीं करने देते नहीं। कि ताकि अच्छे घर में शादी हो जाए राइट right, तो वो इस डर से कहते हैं कि शादी हो जाए बेटा फिर तुम जो मर्जी करना कर फिर अगर लेकिन ऐसा थोड़ी होता है लाइक कि किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस आप अपनी बच्चियों के लिए सेट कर रहे सेट कर रहे हो लेट देम बी फ्री यू नो इफ यू पर्सनली इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड इफ इट्स नॉट हार्मफुल देन यू शुड लेट योर डॉटर्स डू द थिंग्स दैट दे वांट टू डू मसला ये है

किसी एक जेंडर से ज्यादा आपको एक जनरेशन ज्यादा करती हुई नजर yes, आती है Definitely. जिस तरह मैं अगर देखू ना कि मेरे दोस्त जिस तरह की लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं ठीक है कि अगर हमने सेटल होना है किसी के साथ तो देर ऑल इंटरेस्टेड इन गर्ल्स हु दे कैन टॉक टू हु आर इंडिपेंडेंट हु 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 आर आर स्मार्ट दे कैन हैव विद एजुकेटेड जो उनके शाना बशाना हो शाना बशाना हो वो हाँ. उनको सपोर्ट करें एक 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 पार्टनरशिप बन सके एक जैसे कहते हैं ना कि एक, एक दूसरे के साथ एक कंपेनियनशिप बन सके They're not looking for wo, uh, a, maid. Know, a maid. A maid. dekh parents they create. Right? So it's not. And it, it's a very interesting uh, thing you've said because a lot of the time it's not even the fathers, it's the mothers. Yeah. And the sons themselves, they don't really want a maid wife. Yeah. I mean, there are a lot of people like that as well, but.

उठाते हैं।, उठाते हैं और उन पे डिस्कशन और उन पे डिस्कशन करते हैं करते क्योंकि वो भी वेरी वारंटेड है कि यार इतना जुलम हो रहा है लेकिन जो आम सादा बंदा होता है जो कि अपने ओपिनियंस बना रहा होता है वो कहता है यार मैं तो ये चीज़ें नहीं कर रहा एंड व्हाई एम आई बीइंग अटैक्ड फॉर इट राइट सो मैं उनके उनको मद्देनजर रखते हुए एक तो ये कि वो जनरेशनल चीज है जिसकी वजह से ये चीज़ें सारी सारी पर हो रही हैं और उस जनरेशन ने फिर बड़े अजीब किस्म के आइडियल्स हमारे दिमागों में डाले हैं कि जी स्टैंडर्ड ऑफ के लड़कियां कैसी होनी चाहिए हैं लड़के कैसे होने चाहिए हैं क्या सही है क्या गलत है और मैंने ये भी देखा है कि फिर जो आपकी शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं बिकॉज़ मैन आर अनएबल टू फिगर आउट हाउ टू डील विद द वाइफ एंड द जनरेशन अबव राइट और उसकी वजह से वो एक खप मच जाती है तो फिर वो या तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे

लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि लड़कियों का एक बहुत ऑबियस चेंज है तो लड़कियों को उस चेंज के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि यूँ हाँ। होगा यूँ होगा यूँ होगा तुम ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है तुम ये कॉम्प्रोमाइज़ करना है हाँ। तुम यूँ करना लड़कों को कोई बात ही नहीं करता और जबकि उनके लिए चीज़ें चेंज होती हैं एंड ये मैं हमारी शादी से देख के कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जाहिर है एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होती मेरे लिए भी हुई थी और वो एक मुश्किल टाइम था लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि आपके लिए नहीं हुई थी एक लड़के के लिए नहीं होती है बिल्कुल और अगेन वहीं पे पार्टनरशिप की बात आती की है, है कि एक है। औरत और एक मर्द दोनों को इस चीज में सपोर्ट कंपटीशन ना लगाए ना हाँ। आप एक दूसरे से कंपीट क्या कर रहे हैं कि किसकी लाइफ ज्यादा मुश्किल है हां एग्जैक्टली सपोर्ट ईच अदर हेल्प ईच अदर यू नो दोनों की लाइफ मुश्किल है यस मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि अपना सब छोड़ और उसके लिए उसको से के इमोशंस के को हाँ। जो कि मुझे इस तरह लगता है कि मर्दों को अपनी बीवियों के साथ ओपन होना चाहिए अबाउट द इमोशंस अगेन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से वो नहीं होते ठीक है और इस डर से भी कि यार इसके लिए इतना चेंज हुआ है तो मैं अपनी

अच्छा वो बनता है और आप कंसिस्टेंटली डिमांडिंग एंड पर नहीं हो सकते यू कांट बी प्रॉब्लम इज यू आर अगेन अ टीम सो यू कांट बी कम्पीटिंग विद ईच अदर यू आर वर्किंग आपका गोल एम एक है आपकी टीम एक है hmm. अब आपने अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना है मिल के बनाना है और वो एक विजन के लिए एक ड्रीम के लिए जो एक कपल का होना चाहिए मिलकर काम करना है बिल्कुल अब उसमें आप कम्पीट अगर आप आपस में ही लड़ पड़ोगे

और yeah. आपने मुझे एम्पावर किया और आपने मुझे एक चीज़ करके दी वाइल यू आर वर्किंग इन एवरी कम होम एंड यूज़ टू हेल्प मी विद ऑल ऑफ माई वर्क विदाउट कंप्लेनिंग एंड यू आर विजिबली अनहैप्पी एट योर जॉब ठीक है बट यू आर वेरी हैप्पी हेल्पिंग मी डू एवरीथिंग एंड गेट समवेयर अब अगर इसके बाद यू आर नॉट हैप्पी इन टेरा डेटा और मैं आपको ये कहती तो पैसे कहाँ से आएंगे वट्स द वो और आपके पास कोई प्लान नहीं था अभी यू से मेरे पास मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ मैं खुश नहीं हुई तो इट वुड है अगर मैं उस पॉइंट पे कहती यू हैव टू वर्क इट आउट And that is where equal partnership comes in. You've helped me for two years. Huh. You've put your dreams and goals in the backseat. Yeah. So that you can sustain the both of us. Put all your dreams aside so that I can pursue my dreams. Mm. And today when you when I have come somewhere, you come to me and you say, Listen, now I wanna pursue mine. Yeah. And I say, No, listen, you keep doing the donkey nine to five because we need the money. Yeah. That's not equal. Yeah. दैट्स वेट आई एम डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट यू वुड हैव डन इफ जो हम हमेशा कॉन्वर्जेसन करते हैं कि औरत को काम नहीं करने वो एक फ्रीडम वाली चीज़ है अगर मैं कहता अपने फैशन ड्रीम सब भूल जाए घर चलाएं बस ये आपका काम है हाँ बट वो ऐसा नहीं हुआ एंड एंड सो इट वॉज ओनली फेयर मैं मैं इसमें किसी को भी किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करूँगी कि hmm. आपने जो किया वो कोई बहुत ग्लोरीफाई करने वाली बात है वो एज अ पार्टनर एज ए टीम करना बनता है ah. और ना ही मैं अपनी इस चीज़ को ग्लोरीफाई करूँगी कि फिर मैंने कहा ठीक है आप अपनी जॉब छोड़ दें और आप एक्सप्लोर करें और ड्रीम करें ऐसा होना चाहिए दैट इज इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी राइट सो आई सेट फाइन यू नो यू लीव योर जॉब एंड यू लुक फॉर वर्ट यू वॉन्ट डू एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इसमें इस, इस, इस किस्म का स्टाइल ऑफ सस्टेनिंग अ पार्टनरशिप और और रिलेशनशिप ये वो नहीं है कि यार आप अपने दिल पे पत्थर रखकर आप जो है ये करें ये एक बहुत हेल्दी चीज़ है और आपको रियलाइज होता है इवेंचुअली कि अगर आप इस तरह से चलें तो यू एज अ टीम यू कम आउट मच स्ट्रॉर मच बेटर एंड मच स्ट्रगर एंड उसमें यू नो यस यू आर यू आर गोइंग टू बी फाइटिंग द सोशल नॉर्म्स एट लीस्ट इन दिसल एंड आपको yes. वो होगा करती सेकेंड गेस्ट करेंगे आपके यार मैं सही कर रहा हूँ गलत करूँगा बट इन लॉन्गर रन क्योंकि आपने तो आप और आपकी बेगम या आप और आपके शोहर है ना आगे पचास साल दोनों तो ने ही साथ रहना है तो उनकी वो बुनियाद जो है वो ऐसे सेट होनी चाहिए हैिटी and the comfort with each other is is uh, you the know the most important is the most it's important it's simple thing. si baat hai it wasn't it wasn't even like a give and take right it was more like ke yaar ek kam team hai uske uh. Ah. dono members equal hai aur unko dono ko equally khush bhi hona chahiye और हम दोनों के grand vision के लिए important है कि दोनों खुश हों और दोनों satisfied हाँ, हों अपने उसमें एग्जैक्टली एंड व्हेन यू क्विट योर जॉब And you had the opportunity and the time to explore for an entire year. Things were so different. You were so much happier. Yeah. You know, and you pursued your things, and you um, got to achieve your dreams and everything you wanted to do. Simple si baat hai. Agar us time pe aapne backseat na to kabi main apne business aur usme wahan aap jahan main saki. Hmm. Or agar uske baad मैंने आपको वो uh, मैंने आपके ऊपर वो एक फाइनेंशियल वो डाला था कि नहीं तुम तो मर्द हो और तुम्हें तो पैसे लाने ही हैं इंस्टेड आई सर कि यू नो आई डू इट इट्स फाइन यू डू दिस इट मेक्स ऑल द डिफरेंस तो वो सारा कोरिलेटेड है

अगैन इसमें पता नहीं क्या मैं कुछ कहने लगा था बट एनी वेजमोस्ट एट फिफ्टीन मिनट्स एंड आई थिंक ये एक नया फॉर्मेट था आई वॉन्ट टू कॉल इन हम ना एंड सॉट ऑफ टॉक अबाउट यू नो रिलेशनशप्स फीलिंग्स थिंग्स दट वी जनरली गो थ्रू इन आर डेली लाइफ एंड हम लोग क्योंकि हम लोग इस तरह की बहुत सारा डिस्कशंस करते हैं हम बैठते हैं और हम बैठ के सोसाइटी को डिस्कस करते हैं हम बैठते हैं हम बैठ के पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं तो हमने सोचा कि यू नो कैमरे के सामने भी कर ली जाएँ डू गिव मी और फीडबैक पर्टिकुलरली फॉर दिस एपिसोड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं अगर आप ऑडियो पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर यू नो इट्स एट मुजमिल हसन सिंगल दैट सिंगल एम सिंगल एस और उस पर आकर मुझे डी एम कर सकते हैं वरना यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि यह एपिसोड आपको कैसी लगी और अगर आपको किस तरह की और एपिसोड्स चाहिए हैं विद हम ना तो उसमें हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करें बट एनीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वॉज थॉट बिहान थिंग्स माई नेम इस मुजमिल हसन जैदी एन एल सी इन द नेक्स्ट वन